नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और काफ़ी लंबे समय के बाद हम आज आपसे जो है वो मिल रहे हैं, और निश्चित तौर पर आज बड़ा दिन है, दीपावली का दिन है। जी हेल्प परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और निश्चित तौर पर आपकी दिवाली जो है वो अच्छी मन रही होगी, आप खुश होंगे, आप स्वस्थ होंगे, आपके परिवारजन जो है वो खुश हों, स्वस्थ हों, ऐसी हम ईश्वर से दुआ करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम दो तरह के बच्चों से जो है बात करने वाले हैं। पहले बच्चे वो जिनकी दिवाली वास्तव में मन चुकी है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हमारा इशारा उन बच्चों की तरफ है जिन्होंने 2023 में 2023 के अंदर जो है उस ग्रीन रजिस्टर के ऊपर अपने सिग्नेचर जो कर दिए हैं, उस हरे हरे रजिस्टर पर अपने साइन जो कर दिए हैं, और निश्चित तौर पर जो है वो इस समय जो है वास्तव में दिवाली मना रहे हैं, दिवाली उनकी वास्तव में मन गई है। तो ऐसे सभी बच्चों को डबल बधाई, दिवाली के साथ साथ उनको नौकरी के साथ, सिलेक्शन के साथ, जॉब के साथ जो पहली दिवाली है वो उनको मुबारक। और इस क्षण को जो है वो ज़रूर वो अच्छे से इन्जॉय करें, वो महसूस कर सकते हैं कि पिछली दिवाली और इस दिवाली में क्या फ़र्क जो है वो रहा। और निश्चित तौर पर ऐसे बच्चों के लिए जो नौकरी लग चुके हैं, जो जॉब लग चुके हैं, दो संदेश हम उनको जो वो देना चाहेंगे, दो मैसेज जो उनको देना चाहेंगे। पहला संदेश जो है वो उनके लिए ये कि नो डाउट आप सब लोग जो है वो जॉब लग चुके हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने सेकंड ग्रेड के परिणाम का वेट कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये परिणाम भी जो है आपके अनुकूल आने वाला है, आपके फेवर में आने वाला है, और आप सेलेक्ट होने वाले हैं। ऐसी मैं ईश्वर से जो दुआ करूँगा, ऐसे बच्चे जो लग चुके हैं स्कूल लेक्चरर्स और ग्रेड थ्री टीचर्स जो हैं, उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा दो बातें जो हों। पहली बात ये कि आपको जो है यहाँ तक पहुँचाने वाले जो भी लोग हैं, आपके माता पिता, आपके गुरु या दूसरे लोग, कोई भी हो सकता है ना, आप कभी भी जो है उनके प्रति इनग्रेटिट्यूड जो है ना शो करें, हमेशा उनके ऋणी रहें, हमेशा उनके प्रति जो है कृतज्ञ रहें। और कृतज्ञता से मतलब मेरा सीधा सीधा जो है कि आपका सम्मान जो है उनके लिए बने रहना चाहिए, है ना। तो आप याद रखें कि नो डाउट आज आप आत्मनिर्भर बने हैं, लेकिन आपको अपने परिवारजनों के प्रति, खासकर आपके माता पिता जो हैं उनके प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको अच्छे से पूरा करें, उनकी दिवाली को खास बनाएं। और यदि वास्तव में जो है आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, और वास्तव में यदि आप इस क्षण की कीमत को समझते हैं, तो आपको अपने माता पिता के जो सेक्रीफाइसेस जो हैं, आपके माता पिता के जो बलिदान हैं, आपके बड़े भाई बहनों के जो बलिदान हैं, जो उन्होंने आपके लिए किए, उसको याद रखना होगा, याद रखना होगा कि यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए उन्होंने कितने बड़े सेक्रीफाइस आपके लिए किए। तो आप उनके प्रति कृतज्ञता का भाव लेकर के इस त्यौहार को मनाएं, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। दोस्तों, दूसरा संदेश जो है आपके लिए ये है कि आपको रुकना नहीं है, आप नो डाउट सफल हो चुके हैं, नो डाउट आप एक पड़ाव को जो पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी ये यात्रा जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। आपको अपने आगे के टारगेट जो फिक्स करने चाहिए, आपको अपने आगे के कॉम्पिटिशन्स जो है उनको सेलेक्ट करके उनकी तैयारी में लगना चाहिए, न केवल लगना चाहिए हैं, अच्छे से लगना चाहिए हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप रुक गए, यदि आप थम गए, यदि आपके प्रयास रुक गए, यदि आपके प्रयास थम गए, तो निश्चित तौर पर आप जीवन में जो है वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे आगे चल करके, रिग्रेट करेंगे आप, है ना, आगे चल करके कि मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी, मेरी इतनी अच्छी पकड़ थी, यदि मैं उसको जारी रखता तो शायद मैं और अच्छे पद पर जो है वो जा सकता था, शायद मैं एक और मुकाम जो है उसको हासिल कर सकता था, है ना। ये रिग्रेट हमारे मन में ना रहे, इसके लिए आपको रुकना नहीं है, आपको थमना नहीं है, आपको अपनी यात्रा को जो है जारी रखना है। आप किसी भी कॉम्पिटिशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अगला जो आपका कैडर है उसमें जाने की तैयारी कर सकते हैं, ग्रेड थ्री वाले ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, कोई और तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो इस समय अपना मोमेंटम बनाया है, ठीक है, जो आपका मेहनत करने का जो मोमेंटम था उसको आपको खोने नहीं देना है, इतनी आसानी से अपने से दूर नहीं जाने देना है, उसको अपने साथ रखना है, उस आग को, उस जज्बे को, उस उत्साह को, isn't it, उस चीज को अपने साथ लेकर के जो है वो आपको आगे बढ़ना है।
तो ये तो दो बातें हुई उन बच्चों के लिए जो जॉब लग चुके हैं। पहली बात, ठीक है, अपने आसपास के वो लोग जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया उसको जो है कभी ना भूले, और इसके साथ साथ आपका ठहराव नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, आपने एक पड़ाव पार किया है, लेकिन आपको अगले टारगेट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मैं फिर से आप सभी लोगों को इस दिवाली, आपकी पहली दिवाली पहली जॉब के साथ में जो है आपको ढेर सारी मुबारकबाद, दिल से आपको जो है वो ढेर सारी बधाइयाँ, और आप इसी तरीके से जब उन्नति करें, तरक्की करें, मैं ऐसी ईश्वर से दुआ करता हूँ। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो किसी न किसी कारण से असफल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जगह प्रोविजनल में भी नहीं बना पाए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रोविजनल में तो जगह बना ली थी लेकिन फाइनल में वो अपनी जगह नहीं बना पाए। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, कि किसी एक एग्ज़ाम के अंदर असफलता आपके टैलेंट, आपकी स्किल, आपकी एबिलिटी, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं लगाती है, बिल्कुल भी नहीं लगाती है। आपको याद रखना पड़ेगा कि इतने सारे विद्यार्थी जो हैं उस कंपटीशन के अंदर जो है वो हिस्सा लेते हैं, हजारों विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी जो उस कंपटीशन के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद में जो है परिणाम आता है, रिजल्ट आता है। और यदि किसी कारण से, है ना, यदि किसी कारण से आपका परिणाम फ्रूटफुल नहीं रहा, आपका परिणाम एक्सपेक्टेड जो है वो था लेकिन नहीं रहा, तो इसको लेकर के चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसको लेकर के तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन पेरेंट्स को भी, उन माता पिता जो हैं उनको भी जो है वो कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, कि कृपया करके अपने बच्चों का हौसला बने, अपने भाई बहनों का हौसला बने, अपने आसपास के वो लोग जो असफल हो चुके हैं उनका हौसला बने, उन्हें आपके सहारे की ज़रूरत है। ठीक है, कभी भी आप उनकी योग्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना खड़ा करें। उन्होंने खूब मेहनत की, उन्होंने खूब काम किया, और उसके बावजूद भी यदि वो सफल नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं जो है कुछ कमियां जो वो रही होगी, हो सकता है कुछ कमियां उनकी तरफ से भी रही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कोई कमी ना रही हो, सिस्टम की कमियों के कारण, दूसरी कमियों के कारण जो है उनका सिलेक्शन, उनका चयन जो है वो नहीं हो पाया। ऐसे बच्चों को तनाव लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है एक चीज़ अपने दिमाग में जो है वो ठान लें, मान लें, जान लें, कि यदि आप उन गलतियों से नहीं सीखे, यदि आपने पूर्व के अंदर जो गलतियां आपने की उससे नहीं सीखे, तब तनाव लेने की ज़रूरत है, तब चिंता करने की ज़रूरत है। आपको अपने काम को उस मजबूती के साथ करना है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास अनुभव है, आपके पास आपका काम है, और यकीन मानिए आप आने वाले दिनों में इन एग्ज़ाम्स के अंदर, इन परीक्षाओं में 101% सफल होंगे। आप आने वाले दिनों में इन एग्ज़ाम्स के अंदर न केवल सफल होंगे, अच्छी रैंक के साथ सफल होंगे। कब? यदि आप अपने काम को जारी रखते हैं, यदि आप अपने काम को जारी रखते हैं और पक्का इरादा लेकर के, अपनी विल पावर के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ आप यदि आगे बढ़ते हैं, आपके लिए दिवाली तभी मानी जाएगी जब आप अगली दिवाली तक अपने इस काम को जो है पूरा कर लेंगे। नो डाउट ये दिवाली जो है वो आपके लिए अच्छी खुशखबरी लेकर के नहीं आई है, लेकिन अगली दिवाली जो है आपके लिए अच्छी खुशखबरी लेकर के आए, और उसके लिए हमें काम आज से ही शुरू करना पड़ेगा। जी हाँ, हो सकता है कि इस समय आपके घर में जो है वो दिवाली का पूजन चल रहा हो सकता है कि इस समय जो हो आपके परिवार में सब मिलकर के क्रैकर्स जो वो छोड़ रहे हो, पटाखे जो वो छोड़ रहे हो, आपके मन के अंदर जो बात है, यदि मैं उसको सही तरीके से पढ़ पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक टीस है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक है दुख मन में जो है कि इतने सारे वैकेंसीज के बाद भी मेरा चयन जब नहीं हो पाया है, तो ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा सा हम चूके हैं, लेकिन हम अपने आप को फिर से खड़ा करेंगे। ठीक है, इस दिवाली पूजन के बाद, क्रैकर्स छोड़ने के बाद, खुशियां मनाने के बाद, दिवाली मनाने के बाद, ठीक है, आप फिर से जो है वो आप अपने काम में जुटे, और आज ही, यस, दिवाली के दिन ही, दिवाली के दिन ही, इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता।
आप सोचेंगे दिवाली के बाद पढ़ूंगा, इलेक्शन के बाद पढ़ूंगा, 1 तारीख से पढ़ूंगा, नहीं। हमारी असफलता में कहीं ना कहीं जो है वो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है, या सबसे ज़्यादा जो है वो आती है, हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण है ये चीज़ कि हम चीज़ों को टालते रहते हैं, हम चीज़ों को पुट ऑफ करते रहते हैं, हम चीज़ों को आगे के लिए स्थगित करते रहते हैं कि ये काम हम दिवाली के बाद शुरू करेंगे, ये काम हम इलेक्शन के बाद शुरू करेंगे, ये काम हम 1 तारीख से शुरू करेंगे, और ये काम हम 1 जनवरी से शुरू करेंगे, ये काम हम वैकेंसी आने के बाद शुरू करेंगे। ऐसी हमारी आदत है, मानव स्वभाव है ना। ये चीज़ें जो है वो अपने अंदर मत आने दो। आज आपका दीपावली पूजन तभी माना जाएगा जब आप कम से कम जो है 1 चैप्टर अपना पूरा कर लो किसी भी सब्जेक्ट का। आपकी दिवाली आज तब दिवाली मानी जाएगी जब आप 1 टेस्ट जो हो कोई ना कोई दो। आपकी दिवाली जो है वो तब दिवाली मानी जाएगी जब आप अपने कंटेंट का 1 वीडियो 2 वीडियो जो हो आज देख करके सोते हैं दिवाली की इस रात को। यदि आप ऐसा कर पाते हैं, यदि ये सारी चीज़ें कर पाते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगली दिवाली जो है वो हम गवर्नमेंट जॉब के साथ मनाएंगे, अगली दिवाली हम जो है वो सरकारी नौकरी के साथ मनाएंगे, अगली दिवाली जो है हम इंडिपेंडेंट होकर के जो है वो मनाएंगे, अगली दिवाली हम रोजगार के साथ मनाएंगे, अगली दिवाली हम और अच्छे तरीके से मनाएंगे। दोस्तों फिर से एक बार जी हेल्प परिवार की तरफ से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि अगली बार जब भी हम मिले यहां पर जो है ऐसे ही किसी वीडियो ऐसे ही किसी सेशन में, तो मुझे ये दोबारा से कहने की ज़रूरत ना पड़े आपको कि आप अपना काम जो है शुरू करें, मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत ना पड़े कि ये सबसे बड़ी हार है, हमारी सबसे बड़ी असफलता का कारण है। यदि हम आज हताश होकर के निराश होकर के बैठ जाते हैं, यदि आज हम अपना काम छोड़ देते हैं, यदि आज हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठ जाते हैं, निराशा के एक तरीके से जो है वो गर्त में जा करके जो है वो डूब जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, हैं डिस्करेज हो जाते हैं पूरी तरह से, तो निश्चित तौर पर जो है गलत है। वो उत्साह नहीं खोना है हमें, अपने उत्साह को बनाए रखना है, अपने काम को दोबारा से शुरू करना है, अपने काम पर दोबारा से लगना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम अपने काम में कामयाब ना हो, हम अपने कार्य में कामयाब ना हो, हम अपने टारगेट्स को जो अचीव ना कर पाए। पुनः सभी को जिन लोगों को नौकरी मिली है उनको भी दिवाली की शुभकामनाएं, और जो लोग अगली दिवाली जॉब के साथ सिलेक्शन के साथ नौकरी के साथ मनाने वाले हैं, हमारे वॉरियर्स जो हैं, हमारे योद्धा जो हैं, उनको भी जो है वो दिवाली की शुभकामनाएं, और अग्रिम अगले साल के लिए अग्रिम जो हो आपको शुभकामनाएं कि आप भी अगली दिवाली इसी तरीके से मनाएंगे जिस तरीके से बाकी लोग जो वो आज मना रहे हैं जिनके पास नौकरी है जिसके पास जॉब है। फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में किसी नई बात के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।